बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पशुओं की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बुलंदशहर, पशुओं की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार पशु चोरों की निशानदेही पर चोरी की 2 भैंस और टाटा 407 बरामद। गिरफ्तार रमजानी पर 13 आमिर और राशिद पर दर्ज है 8-8 मुकदमे। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने क्षेत्र के अदोली तिराहे से की आरोपियों की गिरफ्तारी। कल रात में कोतवाली पुलिस को देहात को सूचना मिली थी कि कुछ पशु चोर हैं जो तमाम जगहों से पशु चोरी करते हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने पीछा किया तो एक गाड़ी मिली जो 407 है, टाटा 407 है, उसमें 2 भैंसे चोरी की जो मकबराबाद थाना अलीगढ़ से चोरी हुई थी। बाद में ये पता चला था, उनको लिया गया, कब्जे में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई पता लगा कि अलीगढ़ से करीब अन्य 6 मुकदमे में इन लोग वांछित हैं और इन्होंने चोरी की हुई वहां से। इसी प्रकार से हमारे यहाँ थाना सेना में एक क्या नाम है चोरी का अभियोग संगीत है, उसको भी इन्होंने स्वीकार किया है, इनके द्वारा ये घटना कार्य की गई है। इस प्रकार कुछ 7 ऐसे अभियोग हैं जिनमें इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके द्वारा घटनाएं की गई, उसमें से 6 अलीगढ़ से हैं और 1 हमारे बुलंदशहर से है। इस प्रकार से एक अच्छा बड़ा गिरोह कोतवाली देहात के हाथ लगा है और इससे उम्मीद की जाती है कि पशु चोरी पर लगाम लगेगा। सर, पकड़े गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास? हाँ, इसमें 2 अभियुक्त जो है रमजानी और आमिर, इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास है। वैसे ऐसा आपको बताया हमने कि 7 मुकदमे तो ऑलरेडी इन सारे लोगों ने स्वीकार किया हुआ है जिसमें ये शामिल है। कैसे करते हो, कैसे ले आते हो गाड़ी? किसकी गाड़ी? किसकी? इसमें है गाड़ी, हर बार गाड़ी बदलते हो? नहीं। हाँ, कैसे लाते हो? यही गाड़ी।